तो ये अगली खबर यूपी के कानपुर से है, जहां एक मौलाना मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने ही वाला था, लेकिन अचानक पहुंची भीड़ को देख वो फरार हो गया। क्योंकि मौलाना पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है, इस कारण लोगों की उस पर हरदम नजर रहती थी। इस कड़ी में बीते शुक्रवार को मौलाना बच्ची को टॉफी के बहाने कमरे में ले गया, तभी एक युवक ने कई लोगों को बुला लिया। दरअसल कानपुर के ग्वाल टोली क्षेत्र में रहने वाले 70 वर्षीय मौलाना मुख्तार को लोग चाचा के नाम से जानते हैं। वह पहले भी कई नाबालिग बच्चियों के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म कर चुका है। वह अधिकतर ऐसी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था, जो किसी को कुछ बता ना सके। मौलाना ने जैसे ही बच्ची को निवस्त्र किया, अचानक लोगों की भीड़ पहुंची तो वह डर के मारे भाग गया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है, और साथ ही ये भी पता किया जा रहा है कि इससे पहले वह कितनी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना चुका है। थाना ग्वालटोली में मकवरी की घटना सामने आई है, जिसमें एक 70 वर्षीय मौलाना जो मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची 7 वर्षीय बच्ची को चॉकलेट के बहाने अपने घर में बुलाया और एक गलत काम करने का प्रयास किया, जिसे एक व्यक्ति ने देख लिया और तुरंत पकड़ लिया। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, सुरक्षित है, और बच्ची घर वालों की तहरीर दी गई, जिसमें मुकदमा पंजीत किया जा रहा है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, मौलाना की गंदी हरकत सामने आई है, पूरा मामला विस्तार से बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अब आगे किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। एक मौलाना था जो एक मकबरा एरिया है, वहां से रहने वाला मौलाना था, उसके इससे पहले भी घटनाएं कर चुका है। तो अपने साथ को बताते हैं कि ये छोटी बच्चों को जो इनकी उनको नाबालिग होती है, 8 साल 10 साल 11 साल बच्चों को कहीं पैसे के बहाने पहले के बहाने बुलाता था और उनके साथ बिल्कुल। राहुल, देखना होगा कि कब तक जो फरार मौलाना है उसको गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि घिनौनी हरकत सामने आई है। ऐसे में अब यह भी देखने वाली बात होगी कि पुलिस की ओर से किस तरीके से कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ चीजें सामने आती है जब पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन ये दर्शकों को बड़ा और संगीन मामला बता रही है, जहां पर ऐसी हरकत मौलाना की सामने आई है। हालांकि पुलिस अब जांच कर रही है, लेकिन मौलाना फरार है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब तक मौलाना गिरफ्तार होगा। तो कानपुर में मौलाना की घिनौनी हरकत, जिसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में लिया गया, लोगों की भीड़ पहुंची जब वो एक नाबालिग बच्ची को निवस्त्र कर रहा था, उसके बाद ही मौलाना फरार हो गया। पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक मौलाना को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पुलिस किस तरीके से इस मामले को लेकर कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल यही कि आखिर कितना समय लगेगा मौलाना को गिरफ्तार होने में। हालांकि अब ऐसे में जांच की जा रही है, क्या ऐसे मामले पहले भी कर चुका है मौलाना, तमाम सवाल अब यहां पर उठ रहे हैं। ऐसे में कब तक गिरफ्तार होगा मौलाना, यह बड़ा सवाल है। तो यह बड़ी कार्रवाई की गई है कानपुर में मौलाना को लेकर, ये बड़ा मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल भदौरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, लगातार देखा जा रहा है कि ऐसी चीजें सामने आती हैं। अब कानपुर से क्योंकि बेहद ही संकीर्ण आया है, पुलिस की ओर से अब क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि मौलाना फरार चल रहा है। ऐसे में कब तक मौलाना पकड़ भी आएगा, क्या कुछ अधिक जानकारी? पुलिस अपराधी पकड़ने के मूड में नहीं रहे, जो इस तरीके के अपराध करता है। रात में ही 5 टीमें तैनात कर दी गई थी, 5 टीमें लगा दी गई हैं और मौलाना की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग तवीज दी जा रही है। राहुल, क्या इससे पहले भी बच्चियों को हवस का शिकार बना चुका है ये मौलाना? बिल्कुल माधुरी, जब आसपास हमने लोगों से ये कहना है कि इसके पहले हरकतें कर चुका है, लेकिन मोहल्ले वाले
पड़ोसी होने के नाते कहीं मामले को पुलिस तक ले जाने में बचे हैं और मामले पुलिस के पास गए भी है तो पुलिस ने जो सुनवाई नहीं की है जो बात है ये पूरे जानकारी करने से ये बात निकल के सामने आई है। लेकिन कल जो सोशल मीडिया जो है वायरल होने वाली बच्ची के साथ इस तरीके इसने इतना घिनौना कृत्य किया है निश्चित तौर पर इसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होती है और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए तो नसीर बन के ऐसे मौलानाओं ऐसे धर्मगुरुओं के खिलाफ जो है निकले तो इस तरीके से छोड़ मतलब औरतें तो औरतें और नाबालिग बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं इस तरीके से ये कल घटनाक्रम हुआ है इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के चित्त उसका छोड़ क्या है कई लोग जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आ गए हालांकि पुलिस भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं हट रही है और मौलाना को पकड़ने के लिए जगह जगह पे दबिश मार रही है। देर रात ही जिस तरीके से मौलाना को पब्लिक ने पकड़ा लेकिन वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने पंचायत कराने के चक्कर में मौलाना को मौका मिल गया और मौलाना वहां से फरार हो गया। देर रात ही मोहल्ला निकले राहुल क्योंकि पुलिस की टीमें गठित हो गई हैं और जांच भी की जा रही है और मौलाना को ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है ऐसे में क्या कोई जानकारी सामने आई है कि क्या कहां हो सकता है मौलाना? बिल्कुल देखिए सूत्र बताते हैं कि मौलाना की लोकेशन जो है अलग अलग चेंज हो रही है कई टीमें निकल चुकी है एक टीम जो है पूर्वांचल के क्षेत्र में भी निकली हुई है और कुछ पुलिस को पुख्ता इनपुट मिले हैं और जल्द ही शायद मौलाना जो है पुलिस की गिरफ्त में होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कानपुर पुलिस ऐसे कुकर्मी मौलाना के खिलाफ किस तरीके का एक्शन लेती है और किस तरीके के मौलानाओं से एक कानपुर पुलिस किस तरीके का मैसेज देती है जो इस तरीके से नाबालिग बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं इनकी हवस इस तरीके से बढ़ जाती है कि ये भी नहीं देखते हैं कि ये कितनी बच्ची है छोटी है बड़ी है या क्या कर रहा हो तो एक बड़ी कार्रवाई कानपुर पुलिस की तरफ से सीखने को मिल सकती है और दिल्ली में ऐसी कार्रवाई मिलती है तो नसीर बने। बिल्कुल राहुल लेकिन देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक मामला संज्ञान में आया लेकिन कब से और कितने समय से ऐसी घिनौनी हरकत करता हुआ मौलाना नजर आया से में देखने वाली बात होगी कि आप पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती हुई नजर आती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।